नमस्कार, मैं अंकुला विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। छात्र राजद का सम्मेलन देश में गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर आज डिग्री कॉलेज के प्रागण में स्थित अल्पसंख्यक छात्रवास परिषद में छात्र राजद का एक दिवसीय सम्मेलन किया गया। इसमें छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष सीजन सिंह स्वराज भी शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में दूर दराज से आए छात्र राजद के सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह इन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता की स्थिति बनी हुई है, इससे बड़ी संख्या में छात्र मायूस हैं। 3 साल का स्नातक कोर्स करने में छात्रों को 5 साल लग रहा है। तमाम तरह के छात्र हित के मुद्दे हैं जिसे पुरोज तरीके से उठाया जाएगा। इसको लेकर छात्रों में जागरूकता चलाया जा रहा है। खासकर आने वाले समय में छात्र संघ का चुनाव है, लिहाजा छात्रों को विभिन्न मुद्दों में अवगत कराते हुए उन्हें अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए सम्मेलन किया जा रहा है, ताकि सरकार छात्र को उनका हक मिल सके। सरकार के गलत शिक्षा नीति के कारण आज छात्र की स्थिति बद से भी बदतर होती जा रही है। इस मौके पर छात्र राज्य प्रवक्ता अनुज कुमार आर्य, अजय कुमार, विनोद यादव, कुश यादव आदि तमाम छात्र नेता शामिल हुए। पेश है बिहार सुपौल से मोहम्मद अफरीदी के साथ कैमरामैन लकुश कुमार की एक खास रिपोर्ट। 5 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में सेशन लेट चल रहा है, चाहे 3 साल का एडमिशन बच्चे 5 साल में पूरा कर रहे हैं, तो छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं। हम भी उठाए थे, हमें भी जेल में डाला गया था। तो जन अधिकार परिषद के छात्रों ने दरोगा वाले अभियान में जो अपनी बातों को आगे रखने का काम किया, जो भी विरोध कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो छात्रों के मुद्दा को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो सरकार उनको जेल में डालने का काम कर रही है। अपराध बढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था के तरीके से चौपट है। इन्हीं सब मुद्दा को आगे लाकर हम नए छात्रों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में सभी विश्वविद्यालयों में छात्र चुनाव होने वाला है 1 महीने के अंदर, तो इसलिए हर एक प्रत्येक जिले में 2 कैंप कलेक्टिव आविष्कार भी कर रहे हैं। नए छात्रों को जोड़ भी रहे हैं और उन्हें बिहार सरकार और भारत सरकार के वर्तमान हालात जो भी देश में पूरे तरीके से चौपट है, उसमें जागरूक कर रहे हैं।